नमस्कार। सो गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 3 एंड्रॉइड हैक्स के बारे में, जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही तगड़े वाले तड़कते भड़कते मसालेदार वीडियो ये होने वाला है। हाँ, तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। मैं रोशन विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक आर के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप इन तक देख लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर किसी का भी कॉल हिस्ट्री अपने फ़ोन में ट्रैक करके देख सकते हैं। हाँ, बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे फीचर हैं यार, चलो ना बताते हैं। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो पर्सनल मित्र होगा, जो फेवरेट दोस्त होगा, उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बाकी किसी को नहीं। जिस आप पर्सनल से पर्सनल चीज़ आप उसके पास छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भी एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए पहला ट्रिक दोस्त से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होता क्या है, अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं अपने दोस्तों के पास ऐसा कोई पिक सेंड करने के लिए जिसे बस वो ही देख पाए, बाकी कोई और ना देख पाए। हाँ, तो आप चाहें तो फोटो के साथ या फिर वीडियो के साथ या फिर सॉन्ग के साथ, ऑडियो वीडियो कुछ भी के साथ आप लॉक टाइप का ये कहे तो लॉक ही लॉक सेट करके आप सेंड कर सकते हैं। वो लॉक पासवर्ड वे पैटर्न नहीं रहेगा। हाँ, आप अगर उसको सेंड करेंगे कोई फोटो या वीडियो तो आप जैसे बताएंगे बस वही तरीका से वो फोटो देख पाएगा, बाकी वैसे नहीं। व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, वो क्लिक करके देखेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, यार यार क्या है। तो फिर आप उसे कॉल करके बताना होगा कि ऐसे उसे ओपन करो। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कोई भी फोटो वीडियो म्यूजिक वगैरह कुछ भी है वो एक फॉर्मेट में होता है। फोटो JPG हो गया, PNG हो गया और सारे कई सारे फॉर्मेट होते हैं। म्यूजिक का भी इसी तरह से, वेब फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट क्या क्या यार बहुत सारे होते हैं, MP3, और वीडियो का भी होता है MP4 MP5 होते हैं। तो वो फॉर्मेट में जो भी फोटो है आपका, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला फोटो है, ये फोटो को मैं चाहता हूँ कि सेंड करें, तो ये जो भी फॉर्मेट में है, मान लीजिए JPG में है, ये JPG यहाँ पे लिखा हुआ है, JPG फोटो को ये इसे चेंज करके फॉर्मेट और यहाँ से क्लियर कर दीजिए, हटाइए JPG और उसे यहाँ से शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। अगर आप व्हाट्सएप पे ऐसा शेयर कर देते हैं तो वो जो है आपका दोस्त के पास व्हाट्सएप पे जाएगा, क्लिक करेगा, वो जब ओपन करेगा व्हाट्सएप पे तो कुछ इस टाइप का खुलेगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या, ओपन ही नहीं होगा फोटो। फिर अपने दोस्त को कॉल कीजिए, बोलिए भाई इसमें ये वाला फॉर्मेट है, उस फोटो को चेंज करो, इसके बाद वो दिखेगा फोटो। तो ये थोड़ा हो गया पर्सनल चीज़, कोई देख भी नहीं पाएगा। अगर ऐसा अगर गलती से किसी को सेंड कर देते हैं वो देख ही नहीं पाएगा जब तक कि उसको आप बताते नहीं है कौन सा फॉर्मेट में है, अपने से उसको पता ही चलेगा कि ये फॉर्मेट में अगर चेंज करेंगे JPG में चेंज करेंगे तो फोटो ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जिस फॉर्मेट में आपके फ़ोन में रहेगा वही फॉर्मेट में उसको बोलिएगा चेंज करने के लिए, इसके बाद फिर वो हो जाएगा, है ना, खतरनाक ट्रिक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि जिसके लिए अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए, अभी और आगे बने रहिएगा, बहुत तगड़ा वाला है क्या कि आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी, कमेंट में बताइए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल हिस्ट्री अपने फ़ोन में देखना। तो बहुत आसान तरीका, इस फीचर से हो सकता है आपकी कुटाई पिटाई, ब्रेकअप त्रेकअप बहुत कुछ हो सकते हैं, इसीलिए सावधानी से देख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए है क्या, ये बहुत आसान फीचर है। आप अपनी गर्लफ्रेंड का जो है ना कॉल हिस्ट्री, फ़ोन का कॉल हिस्ट्री, कब किससे क्या बात करती है, कितने कॉल दिन भर में वो मेरे अलावा और किससे बात करती है, वो सब अपने फ़ोन में देख सकते हैं। बहुत आसान है, बस सब लोग के फ़ोन में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन दिए रहते हैं, आपके फ़ोन में भी होगा, आप भी देखने के लिए रखे होंगे कि कौन मेरे पास नया नंबर से कॉल कर रहा है। तो आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है, बस कुछ करना नहीं है, बस इस ट्रू कॉलर का यूज करके आप अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल हिस्ट्री अपने फ़ोन में देख सकते हैं। बहुत आसान है, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस अपने ट्रू कॉलर को है ना अपने नंबर से नहीं रजिस्टर करना है, पहले करना क्या है अपने गर्लफ्रेंड का नंबर फ़ोन लेना है और अपना फ़ोन लेना है, गर्लफ्रेंड के फ़ोन में कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर को डाउनलोड करना है, ट्रू कॉलर को डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर करना है, अपना नंबर से नहीं करना है, गर्लफ्रेंड का नंबर उसमें रजिस्टर में डाल देना है, जहाँ पे नंबर से आप अकाउंट बनाएंगे ट्रू कॉलर में गर्लफ्रेंड का नंबर डाल देना है। इसके बाद वहाँ पे ये कॉलिंग का कुछ इस टाइप का आता है, वहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे OTP आएगा, OTP आपकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन में जाएगा, गर्लफ्रेंड का OTP लेना है, मतलब गर्लफ्रेंड के नंबर का OTP, और उसे इसमें डाल देना है, और डालने के बाद आपके गर्लफ्रेंड के नंबर से आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर अकाउंट बन गया। अब जो भी आपकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन से जो भी चैट होगा, जो भी बात होगा, चैट नहीं यार बात होगा ना कॉल पे, तो जो भी बात होगा वो सारे के सारे अपने फ़ोन में आपके फ़ोन में दिखेगा। हाँ, है ना तगड़े वाला फीचर, तो इसको आप यूज कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप कितने लोगों को, कितनी गर्लफ्रेंड को अभी तक अपने फ़ोन में ऐसे अकाउंट बनाकर चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है, ये थोड़ा प्रैंक टाइप का है। हाँ, आपकी दोस्त होंगे, दोस्तनी होंगी, जो भी होंगी, ठीक है, होंगी जो भी है। तो देखिए होता क्या है कि अक्सर बहुत बार आप चाहते हैं कि किसी के साथ प्रैंक करना, तो उसके घर गए, मान लीजिए आपका दोस्त है, दोस्त के पास है आप, उसका फ़ोन भी है, सिस्टम भी है, लैपटॉप भी है, ठीक है,
और आप चाहते हैं उसका फ़ोन को हैंग करना, मतलब कि उसे पता ना चले कि कोई कर लिया है उसका फ़ोन हैक ही बोलते हैं ना। आप अपने दोस्त के फ़ोन में बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा और उसका फ़ोन भी नहीं लेंगे आप। हाँ, अक्सर देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना फ़ोन में जो ईमेल आईडी यूज करते हैं वही अपने सिस्टम में भी, लैपटॉप में भी यूज करते हैं। ये प्ले स्टोर का रूल है कि आप एक ही ईमेल से अगर दो जगह, दो डिवाइस में, लैपटॉप में भी लॉगिन करके रखे हैं और फ़ोन में भी, तो है क्या कि अगर आप सिस्टम में अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको शो करता है कि आप कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब ईमेल जो है वहाँ पे आप स्मार्टफोन में डाउनलोड करना चाहते हैं सिस्टम में, या फिर मान लीजिए अगर 4-5 फ़ोन में एक ही ईमेल आईडी है और सिस्टम में भी, सिस्टम से अगर कोई भी डाउनलोड करते हैं, लैपटॉप से अगर डाउनलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको शो करेगा किस फ़ोन में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बस बहुत आसान है, आप उसके लैपटॉप पे जाइए, बैठिए उसके सिस्टम पे और वहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और सारा वो अपने लैपटॉप में नहीं, वो दोस्त के फ़ोन में इंस्टॉल करना है। और इससे उसके होगा क्या, वो सोचेगा ये सब मैं एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं किया तो हो कहाँ से रहा है डाउनलोड, है ना तगड़ा वाला ये भी फीचर, वो भी सोचेगा मेरा फ़ोन कोई हैक कर लिया क्या। तो बस आज के यही थे कुछ नए तड़कते भड़कते जो भी थे, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं बता दिया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, थोड़ा भी पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक करके और दोस्तनी को शेयर कर दीजिए। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।